माय चैनल। मेरा नाम है अमृतला और आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंडर हम देखेंगे कि एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक जनरल इंट्रोडक्शन एंजाइम के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में और कैसे उसको एंजाइम्स को क्लासिफाई करा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट, बायो चूंकि वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के अंदर के रिएक्शन को वो इनिशिएट करते हैं, इसलिए उन्हें बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक, और ये आपको बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि वो सिंथेसाइज होते हैं और बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होता है उनको वो एक्सेलरेट करते हैं। कैटलिस्ट अगर पार्टिकुलर हम डिफाइन करें तो वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि आपके केमिकल रिएक्शन के रेट या वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। कुने ने सबसे पहले वर्ड एंजाइम यूज किया था और ग्रीक में अगर बात करें तो एंजाइम का मतलब होता है इन ईस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली आपके एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। हर एंजाइम का अपना एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और उसका एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। जो फंक्शनल यूनिट होता है एंजाइम का उसे हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं और ये आपका बना होता है एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है और को एंजाइम जो कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट होता है एंजाइम का। आप ये देखिए एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये आपका जो पार्ट पोर्शन है ये एपो एंजाइम जो कि प्रोटीनियस पार्ट होता है और ये जो रेड से आपका मैंने लाइनिंग कर रखा है ये को एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है और यहाँ पे आपका को फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि आपके रिएक्शन को और सपोर्ट करता है और ये आपका कैटालिटिक साइट होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने बताया कि एंजाइम का जो फंक्शनल पार्ट है उसको होलो एंजाइम बोलते हैं जो कि आपका एपो एंजाइम और को एंजाइम यानी कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से बना होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको काफी हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एक एंजाइम एक पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। ये आपके जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसको या तो वो अल्टर कर सकता है, मतलब चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर उसकी स्पीड को और इंक्रीज कर देता है जो कि सेल के अंदर हो रहा होता है। ये आपको केमिकल रिएक्शन के टाइम इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, ये अनचेंज रहता है और उसके बाद भी ये अनचेंज रहता है। ये आपको टेम्परेचर और पीएच से अफेक्टेड होता है, यानी कि अगर चेंज या टेम्परेचर में या पीएच में चेंज होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी आपकी अफेक्टेड होती है और ये आपको कैटलाइज करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि वापस आप उसी पोजीशन में वापस आ सकते हैं ऐसे रिएक्शंस को। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर। तो पुराने दिनों की अगर बात करें तो एंजाइम्स को उनके डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग आर्बिट्री मैनर में उनको नेमिंग करी जाती थी। कभी कभी सफिक्स एज का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको एंजाइम्स की नेमिंग करी जाती है और इसे ट्राइवियल नेम बोलते हैं, जैसे लिपिड के लिए लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज। पर ये ट्राइवियल नेम जो है का सिस्टम जो था वो आपको किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन एंजाइम के रिएक्शन के बारे में प्रोड्यूस नहीं करता था। तो इसीलिए एंजाइम्स जो है उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में कभी कभी कंसिडर किए जाते थे, इंट्रा सेलुलर जो कि सेल के अंदर फंक्शन करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर फंक्शन करते हैं। उसके बाद 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आईयूबी कह सकते हैं, उसने एक एंजाइम कमेटी बनाई थी। ठीक है, इस कमेटी ने फिर थॉरो स्टडी करा कि जो भी एग्जिस्टिंग एंजाइम्स हैं उनके बारे में और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए जिसके बेसिस पे आपको जो है नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन एंजाइम्स का किया जा सकता था। इसमें हर एक एंजाइम के पास एक अपना नाम था और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था और जो सिस्टमिक नेम होता था हर एक एंजाइम का उसमें बेसिकली दो पार्ट होते थे, एक तो नेम ऑफ सब्स्ट्रेट किस सब्स्ट्रेट पे वो एक्टिव है, उसके साथ ही वो वर्ड उसमें वर्ड एज ऐड किया जाता था जो कि आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस बताता था, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था एंजाइम का उसे एंजाइम कमीशन नंबर कहते हैं, यानी कि ईसी नंबर। ये ईसी नंबर जो है वो 4 डिजिट का होता था और इसका फर्स्ट डिजिट इंडिकेट करता था कि 6 मेजर क्लासेस में किस क्लास को वो बिलोंग करता है एंजाइम और उसके आगे के 2 डिजिट जो थे वो ये स्पेसिफाई करते थे कि कौन सा सब क्लास है या सब क्लास है और लास्ट डिजिट जो है वो इंडिकेट करता था कि एंजाइम किस सब क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेके एक समझते हैं। तो जो हेक्सोकाइनेज है उसका अगर आईयूबी नाम कंसिडर करे तो उसका नाम
है डीहेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज EC2711। ठीक है, तो यहाँ ये जो नेम इंडिकेट करता है कि हेक्सोकाइनेज जो है वो क्लास 2 यानी कि ट्रांसफरेज ग्रुप का मेंबर है। साथ ही यहाँ पे 2 है, सब क्लास 7 जो है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फॉस्फोरिल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद सब क्लास 1 जो है यानी कि अल्कोहल जो है वो आपको फॉस्फोरिल एक्सेप्टर है। और उसके बाद जो हेक्सोकाइनेज 6 है वो आपको इंडिकेट करता है कि अल्कोहल फॉस्फोराइलेट जो हो रहा है वो आपको हेक्सोकाइनेज के कार्बन 6 पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आयु भी अपना नेमिंग करता था एंजाइम्स का। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो एंजाइम्स को बेसिकली 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलिजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। ठीक है, और हर एक जो क्लास है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एक जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि एंजाइम्स उस कैटेगरी में ब्रॉड करता है, मतलब कैटेगरी में वो फंक्शन करता है। तो चलिए अब इन सारे क्लासेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हो गया आपको ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसमें जो एंजाइम्स है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, LND एमिनो एसिड ऑक्सीडेजेस। एक एग्जांपल देखिए भी मैंने ये चीज कंसिडर करी है। देखिए पाइरुवेट पे जब आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो उसे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे आपका ये जो होता है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिव एजेंट है। ठीक, सेकेंड है आपका ट्रांसफरेजेस। तो इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटेलाइज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर को, और इसके अंदर आपके एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे हेक्सोकाइनेज, ट्रांसमिनेजेस, ट्रांसमिथाइलेजेस, फॉस्फोराइलेज। एग्जाम्पल देखते हैं तो ग्लूटामेट और पाइरुवेट रिएक्ट करके अल्फा कीटोग्लूटरेट और एलानिन देते हैं। यहाँ का जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो आपको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है और ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाता है आपके ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से। थर्ड है आपका कैटेगरी, वो है हाइड्रोलिसिस। इसमें एंजाइम्स जो है आपको अलग अलग कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल है लाइपेज, कॉलिन एस्टरेज एसिड एंड एल्कलिन फॉस्फेटेज, पेप्सिन और यूरिएज। यहाँ पे आपका एक जनरल रिएक्शन है। फोर्थ है आपका लाइजेस। लाइजेस जो है वो एंजाइम स्पेशलाइज्ड होते हैं आपको एडिशन या रिमूवल में वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली ये एंजाइम्स आपको CC बॉन्ड या CO बॉन्ड या CN बॉन्ड या CS लिंकेज को ब्रेक करते हैं। एग्जांपल हो गए जैसे एल्डोलेज, फ्यूमरेज, हिस्टिडेज। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल एलानिन पे आपको फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज एक्ट करता है तो अमोनिया रिलीज होता है और ये आपका ट्रांससिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एंजाइम है आइसोमराइजेस। ये एंजाइम जो होते हैं वो जितने भी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल्स हो गए जैसे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, रेटिनॉल आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, म्यूटेज एक्सेट्रा। रिएक्शंस में देखिए आइसोमराइज एल्डोज जो होता है वो आइसोमराइज होके कीटोज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। सिक्स्थ है लाइगेजेस। लाइगेज जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको सिंथेटिक रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंड होते हैं और यहाँ पे आपको ATP का यूटिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे ग्लूटामिन सिंथेटेज, एसिटिल को एंजाइम कार्बोक्सिलेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पे पाइरुवेट जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ATP का यूटिलाइजेशन और वाटर के प्रेजेंस में आपको ऑक्सालो एसिटेट देता है, ATP रिलीज। सारे क्लासेस हैं उनको हम एक वर्ड है जो है ऑथिलिल, इससे हम रिमेम्बर कर सकते हैं। यहाँ पे O जो है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज, T ट्रांसफरेज, H हाइड्रोलाइजेस, L लाइजेस, I आइसोमरेज और L लाइगेज के लिए स्टैंड करता है। तो इसमें हम सीक्वेंस वाइज हर कैटेगरी को रिमेम्बर कर सकते हैं क्लासेस को। तो ये था अबाउट आपका एंजाइम्स के जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।